हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज इमली की खट्टी मीठी चटनी लेकर आई हूं। तो चलिए देखते हैं कैसे इमली की चटनी बनाई हूं। मैंने यहां पर इमली को 15 मिनट तक भिगो दिया था और इसका रस छान कर ले लिया है, देखिए। और गैस पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है और इमली के रस को डालूँगी कढ़ाई के अंदर। और यहाँ पर फ्रेंड्स, इसे 2 मिनट तक चला लेते हैं। चलाते हुए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आधे कटोरी गुड़ ले लिया है, गुड़ को डाल दूँगी इमली के अंदर। इसे मेल्ट होने देते हैं, इसे चलाएंगे थोड़ी देर तक, ये मेल्ट हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब चीनी भी ऐड कर दूँगी। चाहे तो आप सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं ये इमली, मैंने यहाँ पर चीनी भी ऐड किया है। और यहाँ पर मैं ये अदरक पीस लिया है, चाहे तो आप अदरक के पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अदरक पीस कर लिया है। और यहाँ पर मैं जीरा पाउडर लिया है, आधी चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच। और काला नमक डालूँगी आधा चम्मच के करीब स्वाद अनुसार। और फ्रेंड्स, मैं इसे सारी चीज़ों को मिलाऊंगी अच्छी तरीके से, वाइट नमक भी डालूंगी, चाट मसाला भी डालूंगी यहाँ पर, और लाल मिर्च भी पाउडर भी डालूंगी आधी चम्मच। इन सारी चीज़ों को मिला देती हूँ अच्छी तरीके से। देखिए, अब चटनी बनकर रेडी। तो फ्रेंड्स, चटनी बन गया है इमली का। तो टिक्की भी बना लेते हैं, दही टिक्की। उसके लिए मैंने टिक्की बना लिया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं प्लेट में टिक्की को रख दिया है और यहाँ पर मैं दही से गार्निश करूँगी। बहुत सारे दही डाल दूँगी इस पर, देखिए बिल्कुल कवर कर दिया दही से। और यहाँ पर इमली का चटनी डालूँगी, ये खट्टा मीठा तीखा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर डाल दूँगी। और यहाँ पर ये चटनी है, मैं सिल्वर पर पीसा है ये चटनी को। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स काला नमक डाल दूँगी और वाइट नमक भी डाल दूँगी, चाट मसाला भी डाल दूँगी। और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।